नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को और मेरी पूरी YouTube फैमिली को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयों। तो दोस्तों, आज का मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ और टेरिस भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपने देखा था कितना गंदा हो रहा था, तो आज सुबह से मैं लगा हुआ था टेरिस के ऊपर, वीडियो भी शाम को बना रहा हूँ फाइनली। तो इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे मिट्टी एक साइड लगा दी, जितनी चाहिए होगी उतनी उठा लेंगे और यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे लगी हुई है हमारी सीडलिंग, और यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने टेबल लगा दी जो कि हमारे काम करने के लिए रहेगी। दोस्तों, अभी पूरा अपडेट देने वाला हूँ मैं अपनी टेरिस का, जो नया लुक आया है यार। और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, अगर आपने वो मिस कर दिया ना तो यार बहुत कुछ मिस कर दिया भाई। तो फाइनली ये देखो, यहाँ पे भी एक टेबल लगा दी। और आज मैं कुछ प्लांट्स लेके आया हूँ नर्सरी से, तो आज इनको हम लगाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्रम्स वगैरह रखे हैं जिनके हम पॉट बनाने वाले हैं। ये कोकोपीट पड़ी है हमारी इसके अंदर, और कुछ ये हो गए, और ये पपीता हमारा पहले वहाँ पे था उस साइड में, अब यहाँ पे लगा दिया। तो लीव्स भी बड़ी हो रही है देखो। तो जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाया था लास्ट वीडियो में, तो वही हम आज यूज़ करने वाले हैं, जो मैं नर्सरी से प्लांट लेके आया हूँ और उनको हम लगाने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा कि मैंने ये पॉटिंग मिक्स सोइल की ये कैसे बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक में देख सकते हो वाली वीडियो। बहुत आसान तरीके से बनानी सिखाई है मैंने, ठीक है। तो फाइनली एक टब ले लिया, जो मेरे पास पुराने एक्स्ट्रा पड़े थे उनको मैंने काट के तो मैंने दो बना दिए। इसके अंदर हम प्लांट वगैरह लगा देंगे। तो फाइनली कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और ये भी सेटल सेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के। तो यहाँ पे देखोगे तो आप, हमारी पालक का जो अपडेट है वो ये है, अभी अच्छी हरी भरी है। और ये अभी आए नहीं है, दो चार प्लांट आए हैं जो कि धनिया के हमने लगाए थे, और पुदीना हमारा सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वाला पूरा सेटअप, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये कौन सा सेटअप है ये वाला। दोस्तों, ये है हाइड्रोपोनिक्स, जो कि कहते हैं बिना मिट्टी की खेती जिसको कहते हैं। तो फाइनली यार मैं लेके आया था ना फार्म से, तो दो पाइप टूट गए थे, इनको भी जुगाड़ करके इसके ऊपर सेट करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, हम पानी के अंदर भी पौधे लगाने वाले हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि मिट्टी के अंदर प्लांट उगता है, कोको पीट के अंदर प्लांट उगता है, लेकिन पानी के अंदर भी हम इसके अंदर काफ़ी क्रॉप्स वगैरह उगाने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हो टेरिस के ऊपर, ये मेरा पुराना है। अगर इसकी वीडियोस वगैरह देखनी है, हाइड्रोपोनिक्स आपने सीखना है, तो इस चैनल पर भी आएगी। अगर आपने ओल्ड वीडियोज़ देखनी है मेरी, तो मोहित हाइड्रोपोनिक आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट जरूर करना। तो फाइनली हमारा हाइड्रोपोनिक का सेटअप भी इंस्टॉल आज हमने कर दिया, और हमारी छत का जो लुक आ रहा है ना दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है यार कैसा है लुक। और ये वाला हम बेड बनाने वाले हैं, जिसके अंदर टमाटर बैंगन वगैरह करेंगे, ये भी कंप्लीट करेंगे अभी, बस दो चार दिन के अंदर ये फाइनल करेंगे। तो फाइनली आज तो हम लगाने वाले हैं प्लांट्स, जो कि मैं कुछ नर्सरी से लेके आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं गेंदे के प्लांट्स लाया हूँ, और कुछ लाया हूँ अपने पत्ता गोभी फूल, ये पत्ता गोभी, ये फूल गोभी, कुछ मैं हरी मिर्च लेके आया हूँ, और प्याज वगैरह भी लेके आया हूँ, प्याज भी हम लगाएंगे इसमें, और बैंगन के प्लांट और टमाटो के प्लांट्स लेके आया हूँ, जो कि पांच पांच प्लांट मैं सारी क्वांटिटी में लेके आया हूँ। ये जो मुझे मिले हैं, ये मिले हैं सिर्फ 2 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। ये मुझे गुच्छी मुझे 10 रुपये की मिली है, जो कि इतने सारे प्लांट प्याज के थे इसमें, तो मैं ले आया। तो दोस्तों, फाइनली आज जन्माष्टमी के दिन अपने प्लांट्स को लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो, देर ना करते हुए यार प्लांट्स को लगाते हैं फटाफट करके। तो कौन से मैं लगाने वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी इसी में लगाने वाला हूँ, जैसे प्लांट्स की थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी तो उनको निकाल के अलग अलग उसके अंदर लगा दूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पास अभी सोयल
तैयार नहीं है, तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं सारे भर के फिर उसके बाद इनके अंदर लगाऊंगा। तो चलो देर ना करते हुए फटाफट से लगाते हैं। तो हम पहले लेके चलते हैं बैंगन और टमाटर, तो इनको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे लगा सकते हो। कुछ मिर्च होगी और ये हो गए और गेंदे के फूल हो गए, तो सभी प्लांट हम एक बार इसमें लगाएंगे। 2-4-5 दिन हम इसमें पड़े रहने देंगे, उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरी जगह पे। तो सबसे पहले आते हैं हम टमाटर के ऊपर। दोस्तों जब भी आप लगाओ ना तो इसको नीचे करके लगाओ ताकि ये अच्छे से लग पाए। और सेकंड प्लांट लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमने ये प्लांट भी लगा दिया। उसके बाद थर्ड, थोड़ा सा मैं डीप में लगा रहा हूँ ताकि जड़ वगैरह अच्छी डेवलप हो जाए इन प्लांट्स की। उसके बाद फोर्थ प्लांट हमारा ये, जो कि मैं 5-5 प्लांट ही लाया था, ज़्यादा मैं प्लांट लाया नहीं अब की बार उस, क्योंकि हमारी सीडलिंग तैयार होने में कम से कम महीना लग जाएगा, तो यार वेट नहीं कर पाऊँगा यार मैं, तभी मैंने प्लांट्स लगा दिए इनमें। तो आज कुछ त्यौहार का दिन भी था तो मन किया यार कुछ लगाने का, तो फाइनली आपके सामने है। इधर लगा देते हैं हम गोभी। तो ये देखो मैं एक बार अलग कर लेता हूँ सारों को। तो दोस्तों फाइनली अभी मैंने प्लांट लगा दिए हैं, जो कि टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, फिर पत्ता गोभी, उसके बाद हरी मिर्च और गेंदा, उसके बाद हम मैंने लगा दिए अपने बैंगन। तो अभी इसके अंदर मैंने लगाए हैं अपने ये लहसुन और प्याज, तो मैंने इसके अंदर लगाया है प्याज, तो मैंने पानी दे दिया। तो फाइनली दोस्तों आप ये देख सकते हो, तो हमारी आज के प्लांट लग चुके हैं। बहुत सिंपल तरीका है, उंगली से मोरा करो उसके अंदर आप लगा दो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टेरिस गार्डनिंग मेरा नए लुक में कैसा लगा। आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हैं इसके अंदर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।